2500 पैनल हम 10 दिन में नहीं बेचे ना तो पुलिस हमारे घर के पास होगी, हम जेल के अंदर। अब दूर का सोच करना, अभी से ही परेशान मत होइए। तुम्हें जो करना सो करो यार। दीदी वो तो चले गए, नहीं मिले। अच्छा वो चले गए, अगर वापस आता ना मुंह तोड़ देता मैं उसका। ऐसे मत बोलिए ना, 2-3 बेचेंगे तब जाकर 1000 तक बेचेंगे, बूंद बूंद करके ही तो घड़ा भरता है ना। माफ कीजिए मैं फिर से आ गया। दरअसल जाते जाते मैंने ये सोचा कि 2 पैनल की वजह से आप नाराज हो गए तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। आप मुझे 5% का डिस्काउंट दे दीजिए, मैं 3 पैनल ले लेता हूँ। हाँ हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे अभी दे दीजिए, पता साथ में दे दीजिएगा, हम माल आपको पहुँचवा देंगे। ये लीजिए आपका पैसा। मैंने आपकी बोनी करा दी, लाइए हमें शगुन दीजिए। हाँ हाँ देंगे ना। पहले तुम्हारी जीजा जी खुशी खुशी मान तो जाए। मैं नहीं मानने वाला, ऐसे 2-2 पैनल बेच के क्या हम पूरी 2500 पैनल बेच पाएंगे? जहरे सर देखिएगा, एक एक करके ऐसे ही पूरा माल बिक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जीजू दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आपने वो हिंदी फिल्में नहीं देखी जिसमें हीरो प्रॉब्लम फंस जाता है और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मूवी हिट हो जाती है और इनमें लोग तालियां बजाते हैं। अरे वो फिल्म होती है फिल्म, और ये असल जिंदगी है, फिल्मों में असल जिंदगी में फर्क होता है यार। और संदेश मुझे पता है बिजनेस कैसे करते हैं, इट्स नॉट इजी, ऐसे नहीं होता है। हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपको बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है। हमारे अंदर इतनी बुद्धि तो नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि अगर इंसान में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो बड़ी से बड़ी दीवार भी लांग सकता है। हाँ जीजू, जैसे शाहरुख खान DDLJ में एंड तक सिमरन के पीछे पड़ा हुआ था, और क्या हुआ, एंड में शाहरुख की हुई सिमरन। क्या बकवास कर रही हो तुम, बकवास पे बकवास किए जा रही हो, नहीं सुना तुम्हारी बकवास मुझे। और तुम धैर्य सर, आप गौर से देखिएगा, हमेशा कामयाबी के पीछे बुद्धि से ज्यादा हौसला होता है। अगर हौसला साथ हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है करो, मान गया मैं तुम्हारी बात, खुश बेचो 2-2 पैन बेचो। पहले ये बताइए कि बीवी के कहने से माने हैं या सच में माने? अरे कैसे भी मान गया ना। यप्पी जीजू मान गए, जीजू क्या सॉरी दीदी लाइए। हाँ हाँ ये लो कमीशन। गौ माता अब संतोषी के पति को वास्तविकता का बोध होने लगा है। माती सत्य कहा आपने, मनुष्य की यात्रा कितनी ही लंबी क्यों ना हो किंतु एक एक पग से उसका गमन पूर्ण हो ही जाता है। अब यही गतिक्रम इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले तेरे लिए भी है आज। मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे शाम। यस सर। तो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में
इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।